परसवाड़ा के स्थानीय बैठकी बाजार से मछली की विभिन्न प्रजातियां जब्त की गई। पूरी कार्रवाई परसवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कमल चंद सिंसरवा मत्स्य विभाग के अमले द्वारा की गई। मत्स्य अधिकारी पूजा रोडगे ने बताया कि मत्स्य बाजार परसवाड़ा में 20 किलो मिजा कॉप 32 किलो लोकल माइनर मछली की जब्ती की कार्रवाई की गई। जब्त करने के पश्चात नीलामी की गई। नीलामी राशि 3,050 रुपये शासन कोष में जमा की जाएगी। साथ ही 70 किलो थाईलैंड के मत्स्य प्रजाति मांगुर जब्त कर गड्ढा खोदकर विनिश्चीकरण की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि यह प्रजाति मांसाहारी है और यह जहरीली भी होती है, जो कि मानव शरीर पर कई तरह की समस्याओं को जन्म देती है। आज जो कार्रवाई हुई है, क्या कैसी क्या कार्रवाई? पिछले 2-3 बाज़ार से ये शिकायत आ रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा आखिर तक प्रतिबंध होने के बावजूद भी मछली का विक्रय किया जा रहा था। तो संबंध में फिशरीज डिपार्टमेंट को अवगत कराया गया था जी। तो आज फिशरीज डिपार्टमेंट की टीम द्वारा छापा मार कर देखा गया जी। तो जो प्रतिबंधित मछलियां हैं, जिनमें थाई मांगुर भी है, इस प्रकार की प्रजाति की मछलियाँ बिक रही थी, तो उन्हें जब्त करके विनष्टीकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।